सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं चैनल क्लैश ऑफ कास्ट। सो हैप्पी 15 अगस्त एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो हेलो, वेलकम बैक बडीज, कैसे हैं आप सभी। देख रहे हैं मेरा चैनल क्लैश ऑफ कास्ट। तो आज हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के एक एपिक सर्वर में जिसका नाम है पृथ्वी वर्ल्ड। तो अब मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, थोड़ा ही सा मालूम है कि एक इंडियन सर्वर है जिसके नाम से आपको लग ही रहा होगा इंडियन सर्वर है। ये क्या है वैसे, बाय द वे वुश हो गया भाई। ओके, यानी हम लोग अपने एक नॉर्मल से सर्वाइवल लैंड में आ चुके हैं। एंड मेरे को ज़्यादा इस बारे में सर्वर के बारे में नहीं पता, एक बार मैं देख लूँ कितने लोग हैं। ओके, फायर हार्ट, राजपथ एंड ड्यूक HD। तो मेरे आसपास तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को स्पॉन के, तो मैं इन लोगों से चैट में बात करता हूँ। सो बडीज, यहाँ पे हम एक हमारे बंदे के पास टेलीपोर्ट होके आए हैं, ड्यूक HD। तो भाई इनका प्यारा सा घर। ओके, सो हमारे दूसरे भाई ने भी एक एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट नहीं, रिक्वेस्ट भेजी है। तो इनका मैं जरा घर देख लेता हूँ। ओके, अंदर नहीं जा सकते क्या भाई, क्या कुछ सिस्टम है? नहीं, अच्छा अच्छा घर है। मैं इनसे जरा बोल देता हूँ गुड हाउस। ओके, तो मैं ये राजपथ भाई के घर पे भी आ चुका हूँ। घर पे नहीं, ओ आई थिंक ये प्रो बंदा है भाई, आई थिंक ये प्रो बंदा है। व्हाट, इसके पास तो नेदर पोर्टल भी है एंड ही हैज अ गुड हाउस एंड व्हाट ही इज डूइंग आई डोंट नो मैन। इसके पास एन्चेंटेड सामान भी, आई थिंक ये महीनों से खेल रहा है। ओ भाई, नीचे जाने का रास्ता नहीं है क्या इधर से? ओ मैं फंस जाता अभी। अब भाई ये क्या बनाया है इसने, मैं यहाँ नीचे कैसे जाऊँ? ओके, तो भाई ने बताया कि जल्दी से अगर पानी में कूद जा तो बच जाएगा। सो आई थिंक कि मुझे यहाँ से पानी में कूद जाना चाहिए। एंड ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रो बंदा लग रहा है, मेरे को इसका घर ढूंढना है। एंड यहाँ ये क्या है भाई, यू डोंट हैव रजत प्लीज परमिशन। और भाई ये मॉब फार्म तो बना लिया, लेकिन इनका घर किधर को है आई डोंट नो भाई। ओ ये कौन बंदा घूम रहा है? ओ यही तो है रजत भाई, इनका घर किधर को है? ओ भाई ये क्या लगा के रखा है चचा ने यहाँ पे? अरे अच्छा, वो यहाँ पे योगी जी नहीं भाई, योगी जी भाई, योगी जी आ जाएंगे ना तो इनका तो ये पूरा फार्म ही तबाह हो जाएगा। ओ भाई मैं इनसे बोल दूँ योगी जी से बच के रहना भाई, योगी जी से बच के रहना जी। बिल्कुल, हम यूपी उत्तर प्रदेश से हैं, जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ, और जिनको और मेरी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही, जाके देख लो, हम भी हैं। ओ भाई ओके, तो आई थिंक ये इन्होंने ये प्लॉट लिया था, हम गाजीपुर से हैं, आई डोंट नो मेरे को गाजीपुर कहाँ है, कमेंट बताओ भाई गाजीपुर। ओ क्रीपर नहीं भाई, अपने बेस पे फट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को बेस पे नहीं फटवाना हमको, क्रीपर ना हमारी फट जाएगी भाई अब तो। वैसे ये इन्होंने इतना बड़ा बड़ा एरिया वो भी नदी का बनाया कैसे भाई, एकदम मेरे को रियलिटी वाली फीलिंग आ रही है कि असलियत में नदियाँ ऐसी होती हैं, कहीं असली वर्ल्ड को तो नहीं बना रहे माइनक्राफ्ट में भाई? हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा, लग रहा है गंगा नदी है या फिर यमुना नदी है या फिर कोई भी गोमती नदी है, और बीच में यहाँ पे छोटा सा टापू दिया हुआ है। एंड भाई मैं चलता हूँ यहाँ से वापस।
सो गाइस, हमने अभी थोड़ी जानकारी यहाँ के बारे में प्राप्त करी है। तो अभी हमको यहाँ पे एरिया क्लेम करना पड़ता है, जैसे ये फ्री में होता है और जो कि हम करने वाले हैं। एंड मेरे को कोई पहले प्लेन सरफेस ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेरे को सर्वर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। एंड अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, मैंने अभी ट्यूटोरियल देखा। एंड अभी मेरे को आओ चाचा व्हाट रजत भाई थोड़ा मिले anyone need iron contact। भाई क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, मैं क्यों उनके मैटर में दखल अंदाजी दे रहा हूँ। तो मेरे को सबसे पहले कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे, थोड़े से पेड़ काटने पड़ेंगे। अरे चाचा डोनेट कर दो, मुझे पहले पेड़ काटने हैं। एंड पेड़ से मैं नॉर्मल माइनक्राफ्ट स्टार्ट कर सकता हूँ आई थिंक। ये एरिया मेरा ही हो, मतलब ये एरिया किसी का अनक्लेम्ड है ना। यस, ये एरिया अनक्लेम्ड है। तो ओ चाचा, ओ नहीं 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 नहीं। सो गाइस, जो हमारे ये रजत पाजी हैं, भाई हैं, पी लिखा है इसलिए पाजी बोल दिया, रजत भाई हैं, इन्होंने मेरे को 1 stack ऑफ ब्लॉक ऑफ आयरन दिया है। एंड वो इनका आयरन फार्म है, क्योंकि इनका आयरन फार्म बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है मेरे को देखने में। मैं अभी अपने वर्ल्ड में यही बनाऊंगा। और ये हर बात में चाचा चाचा क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो। चलिए हम भी इनको रिप्लाई देते हैं। तो अभी मैंने इसके टैक्टिक्स सीखे हैं थोड़े, मतलब कि क्या हम अपना एरिया कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक चेस्ट लगाना होता है, तो फिर 9x9 की ज़मीन हमारे नाम पे हो जाती है, और वो भी एकदम फ्री में। तो वही हम करेंगे, लेकिन पहले दिन हो जाने दो। और हमारे चाचा गए हैं लेने बेड, और मैं अपना ये सब सामान लेके उन्हीं के घर में थोड़ी देर के लिए रहता हूँ, देखता हूँ क्या काम करना मुझे। ओके भाइयों, तो अबे स्केलेटन कौन मार रहा है, मतलब एरो कौन मार रहा है बे। ओके, आई थिंक कि आसपास स्केलेटन है और यहाँ पे रुकना सुरक्षित नहीं है, तो हमें भागना पड़ेगा। क्योंकि स्केलेटन भाई, हम डरते हैं स्केलेटन, तो जब तक हमारे पास आयरन का सामान ना आ जाए भाई, क्योंकि हमको मरना नहीं है। और ये भाई क्या कर रहे हैं, मेरे को बेड मांगता है, बेड नहीं दे रहा। ओके, यहाँ पे बना दिया इन्होंने छोटी सी कुटिया, आई डोंट थिंक ये मेरे लिए बनाई है इन्होंने। कोई बात नहीं, एक दिन के लिए यहाँ रुक जाता हूँ। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अचानक से स्केली भाई मेरे को मार रहा था और मेरी हेल्थ हो गई थी लो, एंड मेरा गेम कर गया था लैग। सो अभी ये हमको बुला रहे हैं, कह रहे हैं बेड ले बेड ले बेड ले, आ गया। ओ नहीं 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 नहीं, मत तो मार छोरे, अपने वर्ल्ड में तो जीना आराम कर रखा है इसने, और यहाँ पे भी ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। मेरे पास कोई बेड एड नहीं है सोने के लिए, इसीलिए मेरे को तड़पा रहा है पागल बंदा। ओके, तो मैं इसको मारता हूँ अभी। बहुत अच्छे से मार लिया मैंने तो यार। ओके, तो एक तो हमने उसको मार डाला। और भाई हमको दे क्यों नहीं रहे बेड, इनका बेड कहाँ है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट। ओके, सारे जस्ट प्राइवेट ही तो हैं। ओके, तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा हेयर। ओके, आई एम कमिंग ब्रो, भूल दे दिया चाचा ने। चलो हम इससे बना लेते हैं। ओके, प्लैंक्स बोलते हैं भाई, प्लैंक्स कौन बोलते हैं।
तो गाइस आज हम लोगों ने माइनक्राफ्ट के इस वाले वर्ल्ड में क्या कांड मचाए हैं वो हम अलग रखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को कोई प्लेन सरफेस ढूंढ के उसको एक्वायर करके फिर वहाँ पे अपना बेस बनाना है, जो कि मैं चाहता हूँ करने के लिए। मैं पगला क्यों रहा हूँ इतना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको रख के बना दूंगा और बाद में यारे सारे पेड़ मैं काट लूँगा एंड यहाँ पे रख दिया। दिस जस्ट चैन नियर बाय ब्लॉक्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रोकेज एंड क्लिक फॉर द लैंड क्लेम हेल्प प्लेस अ साइन ऑन दिस जस्ट टू प्रोटेक्ट इट। ओके गाइस, तो ये जितना एरिया आपको और दिख रहा है तो ये वाला एरिया ये मेरे अंडर आता है। एंड भाई कितने लोग खेल रहे हैं, थोड़े बहुत लोग खेल रहे हैं। एंड ये जो एरिया आपको 9x9 का है ये मेरे अंडर आता है और ये बता रहे हैं कि अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा एक नेम प्लेट तो ये मेरे अंडर आ जाएगा पूरा इलाका। तो मैं ऐसा ही करूँगा इनके कहने पर। ये बन गया नेम प्लेट और इसको मैं यहाँ रख के इस पर लिख देता हूँ ओके गाइस, तो ये वाला एरिया अब हो गया है मेरा। एंड इसके क्या ले लूँ, कोई मैंने तरीका देखा था। हाँ, दिस ब्लॉक हैज़ बीन क्लेम्ड बाय क्लैश विद छक्कास, तो ये बता रहा है कि वाला एरिया मेरा है। नो वन हैज़ क्लेम्ड दिस ब्लॉक, व्हाट, अरे भाई ये मेरा इलाका नहीं है के। हाँ ये मेरा इलाका है, अब मैं यहाँ पे अपना घर बनाऊँगा एंड मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करूँगा। अभी प्रिपरेशन नहीं, क्या बोलेंगे भाई इस वर्ल्ड को। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा अपना काम करके फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइज, अभी तो हमने थोड़ा बहुत इस एरिया को साफ करा है एंड अभी थोड़े बहुत मॉब्स को मारा है, यानी कि जानवरों को मारा है। एंड मेरे को वहाँ पे एक ब्रिज टाइप का कुछ दिख रहा है, मैं उसको भी देखने जाऊँगा अभी। एंड अभी मेरे को स्टोन चाहिए बिकॉज ऑफ मेरे को फर्नेस बनाना है एंड फर्नेस के साथ ही साथ मेरे को और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए वैसे स्टोन से, खाली फर्नेस का काम है मेरे को स्टोन से। गाइज अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, मतलब सीरीज़ तो नहीं बनाई मैंने अभी इसकी, ये खाली एक ही पार्ट बनाया, अगर आपको ये पसंद आ रहा है भाई तो एक लाइक छोड़ दो और फिर कमेंट में बताओ क्या मैं इसको सीरीज़ बनाऊँ कि ना बनाऊँ। मैं अभी सोच में पड़ा हूँ कि इसका सीरीज़ बनाऊँ कि ना बनाऊँ। गाइज अभी यहाँ पे एक प्रो प्लेयर आया है A2June नाम का और यहाँ पर देखते हैं ये बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे खाना पक चुका है और यहाँ पे खाना पकाने पे लगा देते हैं। और ये प्रो बंदा है तो मेरे को यकीन है ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ये अच्छा इंसान ही होगा। एंड मुझे इस गेम में वैसे तो सब पे बिलीव है, लेकिन कभी कभी अगर कोई धोखा दे गया ना तो मैं ये सर्वर छोड़ दूँगा। तुम लोगों को क्या लगा करूँगा भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला सर्वर के साथ, मैं सर्वर छोड़ दूँगा भाई। ये सही है, आया छोड़ चला गया। सो गाइस मैं ये बोल रहा था, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, अगर आप नहीं भूल गए सब्सक्राइब करना भाई तो क्या कर रहे हो। एंड टेक केयर, बाय बाय। सुखदां वरदां मातरं वंदे।